तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वीवीए की थ्योरिकल पार्ट को कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में जाना था और रिकॉर्डिंग मैक्रो के बाद हम बात करेंगे कुछ थ्योरिकल पार्ट को, क्योंकि इसके बाद से हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा जो कुछ पार्ट है वो समझ लेते हैं। आपने जब मैक्रो रिकॉर्ड किया था, यहां से डेवलपर में जाके जब माइक्रो को रिकॉर्ड किया था, तो यहां पे आपको एक पूछा था, यहां नीचे स्टोर माइक्रो, स्टोर माइक्रो इन दिस वर्कबुक है। हाँ जी, यहां पे दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक एंड पर्सनल वर्कबुक है। तो न्यू वर्कबुक को छोड़िए, दिस वर्कबुक और पर्सनल बुक को समझिए। दिस वर्कबुक मतलब ये हुआ कि इसकी जो कोडिंग है, इसकी कोडिंग सी फाइल के अंदर सेव हो, समझे? इसकी जो कोडिंग होगी इसी फाइल के अंदर सेव होगी और जो जो इस फाइल को यूज करेगा वो आपके कोड को भी यूज करेगा। ठीक है, वर्कबुक में होगा कि इसकी का कोड इस फाइल से अलग होगा। क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझिए। देखिए, माइक्रो उसे को समझने के लिए आपको टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने होता है पहला माइक्रो होता है, उसको बोलते हैं पब्लिक माइक्रो। पब्लिक माइक्रो जो जनरली हम यहाँ क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स में जाके क्रिएट कर देते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल्स के क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे सब हमने कर दिया था। पब्लिक माइक्रो क्यों बोला जाता है, ये पब्लिकली ए जो है शेयर होती है। कि मैंने आपको फाइल भेजा तो आप भी इस फाइल को यूज करेंगे, ठीक है? बुक वन या बुक थ्री जो भी है मैंने आपको भेज दिया, तो आप फाइल के अंदर इस माइक्रो को यूज कर पाएंगे। मतलब ये फाइल जहां जहां पब्लिकली शेयर होगी या ट्रांसफर होगी, हर कोई जाके इस माइक्रो को यूज करेगा, क्योंकि इस माइक्रो का जो कोड है वो कोड इसी फाइल के अंदर सेव है। तो इसलिए जो भी फाइल एक्सेस करेगा कोड को एक्सेस करेगा, कोड यूज करेगा। हाँ, कोड में प्रोटेक्शन प्रोग्राम लगा सकते हैं, लेकिन माइक्रो यूज कर पाएगा। समझ गए? ठीक है, पब्लिक माइक्रो समझ में आ गया? हाँ जी। अब इसमें बात आती है, इसमें इसमें एक और बेनिफिट है कि जैसे मैंने मान लीजिए कि एक नया फाइल बनाया, अब इस नए फाइल में हम अपना जो आर आर माइक्रो मैंने बनाया था उसको रन कर सकते, पीछे एक छोटी सी कंडीशन कि आपकी जो माइक्रो फाइल, जो आरआर माइक्रो फाइल जिस फाइल में सबमिट प्रोजेक्ट में है, ये फाइल ओपन होना चाहिए। अगर मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया तो आपका इस बुक वन में इस माइक्रो लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब पब्लिक माइक्रो हम एक अलग अलग फाइलों में भी यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जिस फाइल, जिस माइक्रो में वो सेव हुआ है वो माइक्रो आपका एक्टिव होना चाहिए, वो फाइल आपका एक्टिव होना चाहिए, फाइल आपका ओपन होना चाहिए। समझ गया? हाँ जी। एल जी? हाँ जी, हाँ जी सर, समझ में आ गया ना आपको पब्लिक माइक्रो की प्रॉपर्टी? हाँ जी, ये समझ आ गया सर। अब इसकी प्रॉब्लम समझ लीजिए। अब इसकी छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसा बनाया, जो कि एक एक्सेल का फीचर, जैसे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है, जैसे कि आपका
सर एक मिनट दीजिएगा सर, एक मिनट बिल्कुल नहीं। सर माफ कीजिएगा, मंदिर से फोन आया होगा। नहीं नहीं कोई सर। ओके, तो यहाँ पब्लिक माइक्रो आपको पता चल गया। पब्लिक माइक्रो का प्रॉब्लम बता कर देते, जैसे कि आप अगर बनाना चाहते हैं कुछ क्या बोलते हैं, एक फीचर बनाना चाहते हैं, जैसे कि होता है ना बाकी जो फीचर्स है, तो फिर वो पब्लिक माइक्रो में तो नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक माइक्रो के अंदर में जो है आप बनाते हैं तो दिक्कत क्या होगा कि वो फिर हमें रन कर, मान लीजिए कि हमने एक माइक्रो बनाया जो कि पिवट टेबल लगा देता है, बट वो पिवट टेबल लगा देता है तब उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो हमें वो पहले ढूंढना पड़ेगा फाइल की, किस फाइल में हमने बनाया था, फिर उस फाइल को हम ओपन करेंगे तभी जाके उसको यूज कर पाएंगे ना। ठीक है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। तो उसका सलूशन क्या है? तो उसका सलूशन है कि हम पर्सनल मैक को यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे दूसरा टाइप आता है पर्सनल मैक्रो। अब पर्सनल मैक्रो जो है, यहां जब मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो यहां पे आपके सामने पर्सनल मैक्रो। तो पर्सनल मैक्रो क्या होता है कि इसकी जो कोडिंग है ये किसी फाइल में सेव नहीं करता है, इसकी कोडिंग जो है आपकी ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर सेव करता है। ठीक है, जैसे कि बाकी जितने फीचर्स है उसकी कोडिंग मान लीजिए सेव है ना, उस तरह से। तो इससे क्या होता है, आपका बेनिफिट क्या होता है कि आप किसी भी फाइल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आपका जो भी माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे वो माइक्रो जो है आपका हर एक फाइल के अंदर में आपको शो करेगा। ठीक है, अब यहां ये तो होगी, अब इसमें ये तो खूबी होगी ना। अब इसकी बेनिफिट के साथ साथ रीजन भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है। पहली प्रॉब्लम है कि इस आपको पर्सनल माइक्रो रिकॉर्डिंग में ही आता है, इसको एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर ये आती है कि इसको बाद में डिलीट करना ही प्रॉब्लम होता है, और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जस्ट आपके इसी फाइल में वर्क करेगा, मतलब इसी फाइल में नहीं, इसी ऑफिस में वर्क करेगा, इसी आईडी पे वर्क करेगा। अगर किसी और पीसी पे या किसी और आईडी से आपने अपने पीसी पे लॉगिन किया हुआ है तो वहां पे आपके माइक्रो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो कोडिंग है आपके इस पीसी के ऑफिस से लाइब्रेरी में सेव है ना। ओके जी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एडिंग्स। तो पर्सनल माइक्रो के लिए हम इस माइक्रो को बनाते हैं और एडिंग्स की मदद से उसको हम पर्सनल माइक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो माइक्रो का फीचर हो जाता है। कैसे करेंगे हम आपको आगे क्लास में समझाएंगे, बस समझ जाइए कि अगर आप कुछ ऐसा बनाना है जो कि एक माइक्रो की कोड जैसे, मतलब आपके ऑफिस के एक्सेल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फीचर की तरह हो जाए, तो उसके लिए हम एडिंग्स का प्रयोग करेंगे, बस इतना याद आ। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे जो आपने अभी बोला था कि ये जो पर्सनल मैक्रोस है ये उसी पीस अंडर योर सर्टेन आईडी पे ही लॉग चलेगा, बिकॉज वो आपकी लाइब्रेरी में सेफ हो जाएगा। हाँ, तो ये मैक्रो की बात करें, बट एडिंग्स क्या है, एक फाइल की तरह होता है, उसको आप दूसरे पे कॉपी पेस्ट ऐड कर सकते हो।
समझे? ठीक है, मैं दिखाता हूँ गाइडेंस। आपको याद होगा कि मैंने जब पहली क्लास ली थी तो आइकन बताया था ना आपको कि इसका एक्सेल का आइकन क्या क्या है, ये रहा एडिंस। हाँ जी, हाँ जो स्क्वायर बॉक्स है। हाँ, तो इस आइकन को हम क्या करेंगे, जिस फाइल को क्या करेंगे, हम आपको भेज देंगे, किसी को भी इजीली शेयर कर सकते हैं ना। समझे? मान लो किसी को भेजना है, आपने मान लीजिए कि 20-25-50 फॉर्मूले बना रखे हैं, ठीक है, कभी को बोला ये सारे फॉर्मूले मुझे भी दे दे, बस ये फाइल आप दे दीजिए उसको, वो एडिंस के तौर पे ऐड कर लेगा अपने एप्लीकेशन में, उसके सिस्टम पे सारे फॉर्मूले आ जाए। आपकी पर्सनल रिकॉर्ड की गई पर्सनल माइक्रो को शेयर नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है? ओके, एडिंस को ओके, क्लियर है? हाँ जी। अब तीसरा माइक्रो आता है, वो आता है इवेंट माइक्रो। क्या आता है? इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रो क्या होता है? अब जैसे कि ये बात करें कि आप पब्लिक माइक्रो बना है या पर्सनल माइक्रो बना, आपको तो रन करना पड़ेगा ना, या माइक्रो में जाकर रन। तो रन करने का तरीका क्या क्या है? एक तो है आप यहाँ माइक्रोज में जाए, यहाँ से सिलेक्ट करके रन कर दे, या फिर इसका शॉर्टकट आपने अगर बना दिया है, जैसे कंट्रोल क्यू बना दिया, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, अब मैं प्रेस करूंगा तो माइक्रो रन हो जाएगा। या तीसरा, किसी बटन के ऊपर आपने असाइन कर दिया, आपने क्या किया, फॉर्म कंट्रोल से लिया एक बटन बनाया और उसके ऊपर आपने उसको असाइन कर दिया, इस बटन पे क्लिक करने से मेरा माइक्रो रन हो जाएगा। या तीसरा, अगर आपने कोई ग्राफिक इंस्टॉल कर रखा दिया, तो कोई ग्राफिक जैसे कि पिक्चर्स वगैरह या कुछ ऐसा है आपके पास, तो उसके लिए आप माइक्रो को रन करवा चाहते हैं। जैसे बटन है ना, बटन तो एक सिंपल बटन हो गया, आप जैसे कुछ ग्राफिकल बटन हो, होता है बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है, यहाँ से कुछ ऐसे ग्राफिक्स आप यहाँ से बना ले। सैप भी ले लेता हूँ यहाँ से, मैंने सैप को लिया, इसको सिलेक्ट किया और ऊपर से इसको सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे लिख दिया रन। मैं चाहता हूँ कि ये माइक्रो, इस पे जब क्लिक करूँ तो मेरा वो माइक्रो रन हो जाए, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो, और उस माइक्रो को सेलेक्ट करेंगे, तो माइक्रो रन करना चाहता हूँ। अब मैं जिसमें क्लिक करूंगा तो मेरा माइक्रो जो है तो मेरा माइक्रो रन करेगा। ओके सर, ठीक है जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा माइक्रो जो है मेरे पर्टिकुलर एक्शन पे रन, मतलब मैं अगर डबल क्लिक करूं तो मेरा माइक्रो रन हो जाए, ठीक है सर, मैं सिलेक्ट करूं तो मेरा माइक्रो रन हो जाए, मैं फाइल ओपन करूं तो मेरा माइक्रो रन हो जाए, मैं अपने फाइल को डीएक्टिवेट करूं, पर्टिकुलर एक्शन पे मेरा रन हो जाए। जैसे मैं लगाना चाहता हूं फाइल की एक्सपायरिंग माइक्रो, मेरा फाइल 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो गया, तो जब भी फाइल ओपन हो तो चेक करें कि 30 दिन तो नहीं है, तो मेरा चेक करने वाला माइक्रो कब रन हो, जब फाइल हमारा ओपन, मतलब कि उसमें हम डिसाइड ना करें कि मेरा माइक्रो कब ओपन होगा, वो एक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है? ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इवेंट माइक्रो। जैसे एग्जांपल में राइट क्लिक किया, व्यू कोड पे चला गया और यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कि वर्कशीट और सिलेक्शन चेक, और यहां पे मैं दे दूंगा माइक्रो की एक्टिव, एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। मैं जहां जहां क्लिक करूंगा मेरा एरिया रेड हो जाएगा, इसको बोलते हैं इवेंट माइक्रो, ठीक है सर? ठीक है जी, माइक्रो को समझ में आ गया,
मैक्रो के तीन टाइप है, पब्लिक, पर्सनल और इवेंट। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं नहीं जी, क्योंकि आपको टाइप ऑफ मैक्रो पता होगा तो आप जो है ये कर पाएंगे, मतलब कि डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मैक्रो हम यूज करें। जैसे बताया कि आपको फाइल में एक्सपायरी डेट लगाना है तो आपको पता होगा तभी तो आप इवेंट मैक्रो यूज करेंगे, क्योंकि वो इवेंट मैक्रो बगैर तो होगा नहीं। बात समझे? इंपॉर्टेंट पार्ट। और हमने बताया कि मैक्रो को रन करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं। अब चलिए अगला चैप्टर हमारा आता है, वो आता है डिक्लेरेशन मैक्रो, कि मैक्रो को डिक्लेयर कैसे करें। तो डेवलपर टैब में जाएंगे और मैक्रोस पे विजुअल्स पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपका फाइल सेव हो इसमें .xlsm, अगर सेव नहीं है तो प्लीज सेव कर। ठीक है, और आप एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। हम इन मॉड्यूल में ही क्यों कोड कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे इस पे भी डबल क्लिक करके हम कोड कर सकते हैं, इस पे भी डबल क्लिक करके कोड कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने किया इस पे डबल क्लिक करके कोड, तो आप इन पे भी डबल क्लिक करके कोड कर सकते हैं, लेकिन वो कोड होती है इवेंट मैक्रो। अगर नॉर्मल कोड करते हैं तो उसकी दो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मान लीजिए अभी जो कोड किया हमने, एक कोड किस पे सेव है, सीट थ्री के प्रॉपर्टी में सेव है। अगर किसी ने सीट थ्री को डिलीट कर दिया तो क्या होगा? कोड भी चला जाएगा, कोड चला जाएगा ना सर। दूसरी चीज कि अगर आप इसमें कोडिंग करते हैं तो बाकी जो सीट है उसके रेफरेंस देना चाहेंगे तो वो रेफरेंस नहीं ले पाते। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम कोड हमेशा मॉड्यूल में करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल जो है अपनी कोड को सेव करता है फाइल की प्रॉपर्टी में, तो फाइल के साथ ही रहता है। दूसरी चीज, एक किसी भी फाइल और किसी भी इससे सीट से रेफरेंस लेने में, उसका डिटेल लेने में एलिजिबल। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि क्या लिखें। देखिए, जब भी मैक्रो का स्टार्ट करने के लिए आप लिखेंगे तो पब्लिक सब। अब पब्लिक लिखना जरूरी नहीं है, बट लिख भी सकते हैं पब्लिक सब। फिर यहां पे आप उसका मैक्रो का नेम देके ब्रैकेट उसमें क्लोज करें, ये आपका एक मैक्रो क्रिएट हो जाता है। अगर ये मैक्रो क्रिएट करने के लिए इनसीट प्रोसीजर आपको दिख रहा होगा, प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे, क्या चाहिए, सब चाहिए, फंक्शन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, प्राइवेट चाहिए या पब्लिक चाहिए, आप यहाँ पे नाम दे दें और ओके करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसका यूज तो बहुत कम हम करते हैं, मैं तो अभी यूज करता ही नहीं। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैक्रो का नाम अगर आप देते हैं, नाम देते समय ध्यान रखिए, आप नाम में एक नाम के दो मैक्रो मत बनाइए, याद रखिएगा। अगर आप मैंने उसको बना रखा है तो नीचे आप नहीं बनाया, पढ़ने का रन ही नहीं होगा, फिर वो एरर दे, पहली चीज। दूसरी चीज, नाम के अंदर में किसी भी तरह का स्पेस डॉट डैश, मैं किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर आप इंसर्ट न करें, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर देगा। हाँ, अगर आपको बीच में सेपरेटर चाहिए तो अंडरस्कोर लगा सकते हैं, अंडरस्कोर आपका जो है सही रहेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ गया? ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं अगला ऑप्शन पे, कि आप मैक्रो नेम में थ्री डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नहीं दे सकते। जैसे कि मान लीजिए राज वन, ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप इसको आप रन नहीं कर पाएंगे। जैसे रन करने के लिए जाएंगे
देखिए राज वन पे आ गए, क्योंकि राज वन ऑलरेडी हमारे पास एक रेफरेंस के तौर पे एग्जिट, ठीक है, एग्जिस्टिंग है। तो यहाँ पे आप थ्री डिजिट में होता है ना एक्सेप्ट, इसलिए तीन डिजिट, तीन करेक्टर एंड अल्फा न्यूमेरिक मत ला दे, तो बीच में अंडरस्कोर कर दे। ए आपको नेम डिफाइन करने का ऑप्शन, समझ में आ गया सर आपको? हाँ जी, डाउट तो नहीं है? नो जी। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, क्या अब यहां पे क्वेश्चन ये आती है कि हम माइक्रो लिखें क्या, कैसे स्टार्ट करें, पहला वर्ड क्या लिखें, समझे? देखिए तो एक्सेल के एक्सेल वीबीए प्रोग्रामिंग में चार मेन वर्ड होते हैं, एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स, चार मेन ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, या अगर मैं लैंग्वेज के साथ कंपेयर करूं तो इसको आप कह सकते हैं नाउन पर नाउन। आप इंग्लिश वर्ड को ले लीजिए, मोस्टली इंग्लिश वर्ड का, इंग्लिश का, इंग्लिश सेंटेंस का पहला वर्ड क्या होता है, नाउन या पर नाउन, मोस्टली का, सबका नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या सर? ठीक है जी। तो ऐसे ही एक्सेल में ये चार मेन ऑब्जेक्ट है। अब आपका अगर आप जो लिखना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो अगर एप्लीकेशन पे इफेक्ट कर रहा है तो हम एप्लीकेशन से कोड को स्टार्ट करेंगे, वर्कबुक को तो वर्कबुक से, शीट से, शीट से, रेंज से, चार मेन। अब ये डिसाइड कैसे होगा, इसके लिए आपको एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। अब एल्गोरिथम क्या है तो उसको समझने से पहले समझिए कि किसी भी प्रोग्रामिंग, किसी प्रोग्राम को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर यूज करते हैं तो उसके चार मेन स्टेप होते हैं, चार पांच स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है एनालिसिस, एनालिसिस होता है जैसे कि आपने प्रॉब्लम को एनालिसिस किया, फिर उसकी आपने एल्गोरिथम बनाया, एल्गोरिथम मतलब कि आपने उसका, आपने उसके स्टेप्स क्रिएट किए कि कितने स्टेप्स हैं, फिर उसको आपने कोड किया, फिर आपने उसको टेस्ट किया, टेस्ट में अगर एरर आया तो आपने उसको रीकोड किया, देन वापस रीटेस्ट किया, ये तब तक करते रहे जब तक कि टेस्ट पास ना, और टेस्ट पास हो गया उसके बाद हम यहां अप्लाई करते हैं, समझ गए? चार ऑब्जेक्ट है ये किसी प्रोग्राम को बनाने में होता है। अब जैसे कि मान लीजिए ना कि मुझे यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे मार्क्स लिखना है, मैंने इसको समझ लिया और उसका शॉर्टेज बे निकाल लिया और हम इसकी एल्गोरिथम पहले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? स्टार्ट सेलेक्ट ए वन, सेलेक्ट, अब इसी चीज, इसी प्रोसीजर को हम दोहरा देंगे कि सेलेक्ट बी वन, एंटर रॉ, सेलेक्ट ई वन, एंटर, बोलेंगे सर ये क्या कर पा रहे हैं। देखिए अगर कोई इसमें जो VBA में जो यूज होता है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग है, जैसे कि स्टार्ट मतलब डिक्लेरेशन, आपने डिक्लेयर किया, राइट? पहला कोड करता है सिलेक्ट A1, तो आप यहां पे लिखेंगे रेंज, क्योंकि A1 एक रेंज है, इसलिए हम रेंज से स्टार्ट करेंगे, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, एंटर नेम, तो फिर लिखेंगे सिलेक्शन डॉट value equal to name, और इसी प्रोसीजर को हम अगले के लिए अपनाएंगे कि select c1 dot select और enter यहां पे हो जाएगा raw,
ऐसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सीवन होगा, वहां पे तो ईवन होगा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक काम के लिए एक लाइन की प्रोग्रामिंग होगी, समझे? ठीक है, एक काम के लिए एक लाइन की प्रोग्रामिंग होगी, तो हर लाइन पे आपको जितने लाइन उतने कोड्स आपको लिखने, ठीक है? तो आपको मान लीजिए कि माइक्रो आप आपका अपना माइक्रो है तो आपको सारे स्टेप्स याद है तो चलो आप यूज कर लें, लेकिन मान लीजिए कि आप माइक्रो किसी और के लिए बना, जैसे मान लीजिए आपने मुझे माइक्रो बताया कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है इस पे आप माइक्रो, तो मुझे जानना होगा ना, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम होगा, जैसे आपने बोला ना मुझे पीडीएफ सेव करना है, वो तो चलो दिमाग में आ गया, लेकिन आपकी जो बड़ी रिमाइंड फाइल होगी जिसमें आप तकरीबन दो 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 तीन घंटा आपका लगता होगा, उसमें हजार मतलब कि 100-200 स्टेप्स होंगे कि पहले आपको डेटा यहाँ से उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है, वहां पे पेस्ट करना है, इस तरह के डेटा को क्लीन करना है, फिर पिवट लगाना है, फिर पिवट 5-7 पिवट लगानी है, 5-7-8 लगानी है, फिर उसको सेव करना है, 5-7 जगह पे सेव करना है, फिर मेल करना है, ऐसे स्टेप्स होगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं उसको ना नोट करूंगा तो दो चीजें हो सकती है, पहली चीज है कि कोई स्टेप मैं छोड़ दूं या कोई स्टेप मैं गलत कर दूं, इसी में समझ लीजिए ना कि मैं एंटर नेम और फिर सिलेक्ट ए ऊपर नीचे कर दूं तो गलत हो जाएगा ना। जैसे पिवट टेबल में पहले डेटा सिलेक्ट करना है, देन पिवट लगाना है, पिवट लगा के डेटा सिलेक्ट कर लिया तो फिर गलत हो जाएगा, क्या बोलना है सर? ठीक है, इसलिए एल्गोरिदम आपको स्टेप होता है, क्योंकि एक्सेल में लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग होती है, वीबीए में एक लाइन के लिए एक काम के लिए एक ऑर्डर के लिए एक लाइन लिखा है, और जब तक वो पहला लाइन नहीं चलेगा तब तक नीचे का लाइन को नहीं चलेगा, तो एक लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग उसको बोला जाता है, समझ गए? ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो आपने देखा है कि मैंने चार ऑब्जेक्ट बताया, तो यहाँ पे जो सर रेंज लिखा है ना, ये चारों में से कोई एक होगा। बोले सर सिलेक्शन आपने लिखा है, सिलेक्शन तो चारों में से नहीं एक है, तो हमने बोला कि इसके कुछ नाम है, रेंज को ही रेंज को तीन बार पढ़ाया था, रेंज को कई सारे नाम है, रेंज को हम सेल्स भी कहते हैं, रेंज को हम एक्टिव सेल भी कहते हैं, ये रेंज का ही पार्ट है, इसको सिलेक्शन भी करते हैं, समझे? ठीक है, तो ऐसे शीट्स को हम एक्टिव शीट्स भी करते हैं, ऐसे वर्कबुक एक्टिव वर्कबुक होता है, तो इन कैटेगरी कह सकते हैं कि चार कैटेगरी के होते हैं, चारों में से मोस्टली यूज की जाती है, क्लियर सर? हाँ जी, जस्ट एवरीथिंग इज फाइन, बट एक प्रॉब्लम है, जैसे आपने ये सिलेक्शन डॉट वैल्यू लगाया ना, वैल्यू की आप उस सेल में कोई वैल्यू डाल रहे हो, राइट? वो तो पता लग गया। हाँ, सेल्स डॉट वैल्यू नहीं होगा, सेल्स के अंदर और आर्गुमेंट डलेगी, अलग अलग आर्गुमेंट अलग अलग सिचुएशन के बिहाव पे यहाँ पे डिसाइड होता है कि रेंज लगेगा, सेल्स लगेगा, एक्टिव सिलेक्शन लगेगा। जैसे यहाँ पे मुझे एड्रेस पता था, इसमें हमने रेंज A1 लिया, ठीक है, और उसके बाद मुझे पता है कि जहां पे A1 सिलेक्ट हुआ है उसी पे देना है, तो हमने बोल दिया सिलेक्शन डॉट वैल्यू, समझ गए? ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है? नहीं, क्लियर है सर? हाँ जी, अब थोड़ी सी आप अब एक तो हो गई हमारी इसकी बात, क्या बोलते थ्योरिकल पार्ट हो गए, अब बात आती है कि थोड़ी सी आपको आर्टिकल को पढ़ना हो, तो एक आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल नहीं है, मेरी वेबसाइट नहीं है, लेकिन मैंने जब अपनी स्टडी शुरू की थी तो वहां मैंने भी इसको पढ़ा था, excel-vva.com, ठीक है,
एक्सेल डैश वीवीए डॉट, इसकी 33 चैप्टर्स हैं। तो आप टाइम आगे पढ़ने से पहले टाइम निकाल के इन चैप्टर्स को एक बार आप स्टडी करें जितना हो सके उतना। ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ जाना है, जितना हो सके उतना। इसमें बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया। तो मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में इसका यूज किया। ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो इसको स्टडी कर लीजिए, फिर कल हम बात करेंगे माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। कल हम बात करेंगे कि माइक्रो प्रोग्रामिंग कैसे यूज किया जाता है। ओके ओके, ठीक है जी। क्वेश्चन हो तो कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू।